वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव बचा है। सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी सीट को लेकर है तो वो है इंदौर सीट। अब आप सोच रहे होंगे कि इंदौर सीट में ऐसा क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो चुनाव खत्म होता नज़र आ रहा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अक्षय बम, उन्होंने न सिर्फ अपना नामांकन वापस लिया है बल्कि वो तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक की कहानी तो ठीक थी, मगर इसके बावजूद इंदौर में बीजेपी सबसे ज़्यादा परेशान है। बारीकी से आपको बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी इंदौर में इतनी परेशान क्यों है, वो भी तब जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और वो बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। ये शपथ लेते हैं कि 13 मई के दिन अधिक से अधिक मतदान। देखिए, इंदौर की वो सीट है जहां पर करीब 3 दशकों से बीजेपी का कब्जा रहा है। सुमित्रा महाजन लगातार 8 बार इंदौर से सांसद रही है। शंकर ललवानी की अगर बात की जाए, 2019 के अगर आप चुनाव को देखें और ख़ास तौर पर अगर आंकड़े देखें तो देश भर में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत अगर कहीं से हासिल की थी तो वो इंदौर से ही की थी। करीब 5.5 लाख वोटों से इंदौर से जो बीजेपी के प्रत्याशी शंकर ललवानी थे वो जीते थे। अब इस बार इंदौर में ये हो रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी के सामने है नहीं। अगर मुकाबला होता तो मान लीजिए कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता, जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही है कि 5.5 लाख, या उनकी कोशिश होती कि 5.5 लाख नहीं तो हम 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख वोटों से जीते। मगर अब सामने तो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो अपील की है लोगों से, जीतू पटवारी ने, पीसीसी चीफ है, उन्होंने इंदौर की जनता से कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है तो आप नोटा को वोट कीजिए। अब आप देखिए कि हर शहर में एक न एक पार्टी का एक स्थायी वोट बैंक होता है कि इतना वोट तो उस पार्टी को मिलता ही है। अब मान लीजिए कि अगर 3 से 4 लाख वोट कांग्रेस पार्टी का इंदौर में है और वो सारे लोग नोटा पर अपना वोट देते हैं तो देश भर में इससे क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा कि एक वो पार्टी जो इंदौर से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर रही थी, उसी इंदौर में सबसे ज़्यादा बीजेपी के बाद अगर किसी को वोट हुआ है तो वो नोटा को हुआ है। और इसी से बीजेपी के नेता सबसे ज़्यादा परेशान है, लिहाजा अब वो सड़क पर उतरे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपको नोटा को नहीं, आपको बीजेपी को वोट देना है। आज तो मानव श्रृंखला इंदौर में बनाई गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता स्टिकर्स लगा रहे हैं कि वोट फॉर नोटा। तो इस तरह का माहौल अब इंदौर में बन चुका है और कहीं ना कहीं अब इससे बीजेपी परेशान है। कुछ कांग्रेसियों ने भ्रमित करने के लिए कुछ ऑटो रिक्शा जो खड़ी रहती है रात बिरात उनके घर के बाहर, उनकी गाड़ियों पे जाकर के नोटा के स्टिकर लगा दिए। जैसे ही हम लोगों को खबर लगी हमने उनके नोटा के स्टिकर फाड़े और आज हमने तुरंत 5,000 स्टिकर मेरा वोट देश के लिए, मेरा वोट विचार के लिए, मेरा वोट अवेलेबल बेस्ट के लिए, राष्ट्रीय हित में मतदान करें, जनता को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए और हमारे ऑटो चालक भाई परिवार समेत ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदान राष्ट्रीय पर्व है और इसमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। सही मायने में कांग्रेस को अपना आत्मावलोक, अपने अंदर विचार करो, मेरा मन दर्पण हो जाए, खुद विचार करो ना, क्यों छोड़ा। अब जीतू पटवारी तो उसी शहर के हैं, तुम प्रदेश अध्यक्ष हो, आपने कांग्रेस क्यों नहीं छोड़ी? आपको कांग्रेस छोड़ना चाहिए ना, आपको इस्तीफा देना चाहिए और नहीं तो कांग्रेस को हटा देना चाहिए। किसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में? जीतू पटवारी। और वो कैंडिडेट ने नाम वापस कहाँ से लिया? इंदौर से, जो उनका शहर है। तो उनके खुद के जिले से, उनके खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा है, तो क्या अधिकार है, नैतिक अधिकार है जीतू पटवारी को अध्यक्ष रहने का? वो दूसरे पे उंगली उठाने की जगह खुद के गरेवान में झांक कर देखें और तुरंत इस्तीफा दें, नकारात्मक राजनीति ना करें। इंदौर तो पहले भी हम जीत रहे थे और अभी भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं ये ना हो कि लोग घरों से मतदान करने ही ना निकले, क्योंकि आप
जीत और हार की तो बात ही नहीं रही है जब कांग्रेस का प्रत्याशी सामने नहीं है, तो लोग तो यही सोच रहे होंगे कि इतनी भीषण गर्मी है इंदौर में, वैसे ही 42-43 डिग्री तापमान चल रहा है, और जब मुकाबला हो ही नहीं रहा है तो फिर मतदान करने के लिए भी क्यों जाएं। तो इस तरह की स्थिति इंदौर में बनी हुई है। एक आखिरी चीज़, अब नोटा को लेकर भी आप सोच रहे होंगे कि क्या बीजेपी से ज़्यादा वोट नोटा को अगर हो जाए तो क्या वैसी स्थिति में क्या होगा, क्या बीजेपी का प्रत्याशी हार जाएगा, क्या फिर से इलेक्शन होगा, तो वो चीज़ भी आपको स्पष्ट कर देते हैं। कितने ही वोट नोटा को पड़ जाएं, जीत जो है वो नोटा के बाद जो दूसरा प्रत्याशी होगा उसी की होगी। यही नियम कहता है कि आप मान लीजिए कि 100 वोट है, 100 में से 99 वोट भी नोटा को गए हैं और एक वोट भी अगर उस प्रत्याशी को गया है तो दूसरे नंबर पर वो रहा है तो जीत उसी की होती है। तो यहाँ पर आप ये ना सोचें कि अगर नोटा को बीजेपी से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो जीत फिर बीजेपी की नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बीजेपी की तो जीत होगी, मगर कांग्रेस की यहाँ पर कोशिश है कि देश भर में एक ऐसा रिकॉर्ड बने कि सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं पर नोटा को गए हैं तो वो इंदौर में ही गए हैं। फिलहाल इंदौर का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ तो लग रहा था कि यहाँ मुकाबला ही नहीं रहा है, बीजेपी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, मगर अब धीरे धीरे थोड़ी सी परेशान भी है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।